बिलाईगढ़ ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के संगठन ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का कहना है कि उनकी ड्यूटी संक्रमण से ग्रसित क्षेत्रों और दूसरे राज्यों से आने जाने वालों की जानकारी के लिए लगाई गई है और इसके साथ ही वो पोषण आहार वितरण का काम भी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बना रहता है। उनकी मांग है कि उन्हें सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के जैसे ही सुविधाएं दी जाएं। जो कोरोना संक्रमण चल रहा है तो प्रत्येक हमारे जो बहना है कार्यकर्ता बहनों के लिए तो हम लोग ना बचाव के लिए ज्ञापन दिए हैं। सभी विभाग के कर्मचारियों के लिए 50 लाख का बीमा है लेकिन हम लोगों को शासन नहीं दे रहा है और जगह जगह में हम लोगों का ड्यूटी लगाया जा रहा है क्योंकि संक्रमित का डर भी हमें भी है, इसलिए हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। और हम लोगों का और मांग है एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि हम लोगों का दिया जाए। अनुरोध किया है कि उन्हें सुरक्षा किट वगैरह उपलब्ध कराए जाएं तथा बीमा का लाभ जो अन्य कर्मचारियों को केंद्र शासन या राज्य शासन की ओर से प्रदाय किया जा रहा है उनको भी प्रदाय किया जाए क्योंकि संक्रमण का खतरा तो सभी को है। तो उनकी इस मांग को हम बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए शासन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।